हेलो फ्रेंड्स, मेहता प्रैक्टिकल में आपका स्वागत है। आज की हमारी वीडियो ये थर्मोस्टेट की टेस्टिंग के बारे में, यानी इसको हम चेक करेंगे कि ये किस प्रकार से काम करता है। तो इसको हम आज चेक करेंगे थर्मोस्टेट को बर्फ़ के जरिए से, यानी कि इसको तेल को हम बर्फ़ में डालेंगे और जिस हिसाब से हमारी कूलिंग आएगी उस हिसाब से ये हमारा थर्मोस्टेट कट करेगा। अगर कूलिंग कम होती है तो ये फिर से ऑपरेट कर देगा। तो ज़्यादा देर ना करके ये वीडियो अब हम स्टार्ट करते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, हम आज ये चेक करते हैं कि हमारा थर्मोस्टेट किस प्रकार से काम करता है। यानी कि ये तो आपको पता है कि ये कूलिंग के हिसाब से काम करता है, यानी कि जब हमारी कूलिंग जितना पे हम इसको सेट कर देंगे उतना हमारा टेम्परेचर हो जाएगा तो ये हमारा क्या है, ये कट कर देगा। यानी कि उससे ज़्यादा हमारी कूलिंग नहीं होगी, जितने पे भी हम एडजस्ट करना चाहेंगे उतने पे ये कट कर देगा। और जब उसकी कूलिंग कम होती है तो ये अपने से ऑपरेट कर देता है। तो आज इसको हम चेक करेंगे कि हमारा थर्मोस्टेट पूरी तरह से ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो उसको मैंने चेक करने के लिए सबसे पहले थर्मोस्टेट को, ये मैंने थोड़ा सा बर्फ़ लिया हुआ है और बर्फ़ में मैंने थोड़ा नमक मिला दिया है, इसलिए कि इसका टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाए और ये माइनस हमारा जल्दी से आ जाए। यानी कि इसमें नमक डालने से इसका जो है टेम्परेचर बहुत तेज़ हो जाए, माइनस में आ जाएगा, तो इसलिए मैंने इसमें थोड़ा नमक का भी प्रयोग किया है। तो अभी हम चेक करते हैं और हम थर्मोस्टेट को कैसे मालूम करेंगे कि हमारा थर्मोस्टेट कट हो रहा है कि मतलब काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यानी कि ये कट हो रहा है फिर बाद में बर्फ़ से निकालने के बाद इसको चालू हो जाना चाहिए, तो उसके लिए मैंने इस्तेमाल किया है ये कंटिन्यूटी। तो हम क्या करेंगे, ये इसमें हम थर्मोस्टेट में डायरेक्ट इसको लगा देंगे, जिससे कि आपको ये ना लगे कि ये कट तो हुआ नहीं है, अंदर से हटा दिया है इसको, या तो कुछ भी मतलब दिमाग में गलत सोच ना आए। तो इसलिए मैंने क्या किया है, ये कंटिन्यूटी को हमने डायरेक्ट ये थर्मोस्टेट में इस प्रकार से लगा दिया है। देखिए, मैंने कंटिन्यूटी को थर्मोस्टेट में ज्वाइंट कर दिया है, यानी कि ये ना लगे हमको कि मतलब लगाया है कि नहीं लगाया है, बिल्कुल साफ पता चले। जब भी हमारा थर्मोस्टेट काम करेगा तो ये हमारी कंटिन्यूटी जो है कट हो जाएगी। तो अभी हम क्या करते हैं, ये तेल को हम ये बर्फ़ में इसको अंदर डाल देते हैं। बर्फ़ में ये मैंने बर्फ़ में डाल दिया है। अब ये हमारा जब भी टेम्परेचर माइनस में होगा ये हमारी कंटिन्यूटी बंद हो जाएगी, जब ये हमारा थर्मोस्टेट अपने आप कट करेगा। यानी हम इंतज़ार करते हैं, थोड़ी देर बाद देखते हैं कि हमारा ये कंटिन्यूटी बंद होती है या नहीं होती, यानी कि हमारा थर्मोस्टेट सही काम कर रहा होगा तो ये कट हो जाएगी। और फिर जैसे ही हम तेल को बर्फ़ से बाहर निकालेंगे फिर ये हमारी कंटिन्यूटी जलने लगेगी। तो अभी हम ये देखते हैं कि हमारा ये काम करता है, कितने देर में काम करता है। जब तक इसका टेम्परेचर माइनस में नहीं आएगा जब तक ये हमारा कट नहीं हो सकता है थर्मोस्टेट। तो अभी हम इसको देखते हैं कितना टाइम लगाता है, क्योंकि टेम्परेचर बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। जब ये ठंडक कायदे से इसमें तेल में होगी तभी ये कट करेगा। इसका काम ही यही है कि ठंडक जैसे ही आएगी उसी प्रकार से हमारा ये कट करेगा, और ठंडक जहाँ कम होगी तो ये ऑपरेट कर देगा। तो अभी हम देखते हैं कि ये हमारा ये कंटिन्यूटी अभी चालू है, अभी कट नहीं हुआ है। हाँ, तो आप ये देख सकते हैं कि हमारा थर्मोस्टेट कट हो गया है, यानी कि इसमें माइनस टेम्परेचर हुआ और ये कट हो गया। तो अभी हम इसको क्या करेंगे, तेल को हम ये बर्फ़ से बाहर निकालेंगे। ये देखिए, हमने इसको बाहर निकाला। अभी इसको थोड़ी देर बाद जैसे टेम्परेचर डाउन होगा और ये हमारा कंटिन्यूटी जल जाना चाहिए, तब तो हम ये समझेंगे कि ये देखिए चालू हो गया है। यानी कि इसको जैसे ही मैंने बर्फ़ से बाहर निकाला ये हमारी कंटिन्यूटी चालू हो गई। फिर इसको हम क्या करते हैं आपको दिखाने के लिए, दोबारा हम इसको ये देखिए बर्फ़ में डाल दिया है और ये थोड़ी देर बाद बंद हो जाना चाहिए बर्फ़ में, और जैसे ही टेम्परेचर माइनस में होगा ये कट कर देगा। देखिए ये कट हो गया है, यानी कि हमारा थर्मोस्टेट इसी प्रकार से हमको चेक करना रहता है। देखिए, आपने देखा थर्मोस्टेट की चेकिंग किस प्रकार से की जाती है। अगर आपको वीडियो ये हमारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।